भाजपा देश और प्रदेश की जनता के लिए आशा के किरण कैप्टन अभिमन्यु पर गलाने का प्रयास कर रहे कांग्रेस व विपक्षी जनता भूली नहीं उनका दौर। कैप्टन अभिमन्यु मंगलवार को भरेंगे नामांकन, मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित अनेक नेता रहेंगे मौजूद। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश व प्रदेश की जनता के लिए आशा की किरण है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के लोग जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके कारनामों को भूली रही है। कैप्टन अभिमन्यु सोमवार को यहां कार्यालय के उद्घाटन उपरांत क्षेत्र से आई जनता को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन करके कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जनता को भाजपा ने भारी आशाएं व अपेक्षाएं हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जनता को भाजपा से भारी आशाएं व अपेक्षाएं हैं। जनता अच्छी तरह से जानती है कि भाजपा ही उसकी आशाओं पर खरा उतर सकती है। यही कारण है कि दूसरी पार्टियों के अनेक लोग आए दिन भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले हर नेता, कार्यकर्ता व नागरिक का सम्मान किया जाता है। कैप्टन अभिमन्यु ने जनता न्योता दिया कि वे मंगलवार को नारनौंद अनाज मंडी में होने वाली विशाल जनसभा व इसके उपरांत होने वाले नामांकन कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उनका नामांकन दाखिल करवाने जाएंगे। नामांकन अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावा वरिष्ठ नेता रामकुमार गौतम, डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा, विनोद भयाना, कुलदीप बिश्नोई व अशोक तंवर सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि विशाल जनसभा व नामांकन अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ उनकी जीत का सूचक होगी। कार्यालय उद्घाटन अवसर पर भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता व भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे।